द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। हम लोग आगामी पैट के परीक्षा के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भारतीय आंदोलन, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान और उसके बाद साथ सामान्य जागरूकता के टोटल 70 प्रश्नों को इसमें कवर करेंगे। बाकी बचे 30 प्रश्न, जिसमें ग्राफ तालिका के 10-10 प्रश्न और रीजनिंग मैथ के 5-5 प्रश्न आपको अलग से वीडियो बनाया गया है, आप लोग वहां से जाकर के उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए 70 प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग भी प्रश्नों के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, न्यायमूर्ति नुथालापति वेंकट रमन, जिसका शॉर्टकट में BN रमन नाम है, भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं, किस नंबर के न्यायाधीश ये बने हैं, ये कमेंट करके आप लोग के आंसर देना है। तो चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, यहाँ पे 48वें नंबर के ये जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि मौर्य प्रशासन के कार्यकाल में कौन सा भाग अधिकारी से संबंधित नहीं था। बहुत अच्छे, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, अग्रहरिक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो था उस समय यानी मौर्य काल के समय प्रशासन का भाग नहीं रहा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था। चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भूमि जो हस्तांतरण होता था उस समय मुगल काल में, उसको जो है पायबाकी या पैबाकी, ये सी ऑप्शन देखिए, इस प्रकार से इसको ये कहा जाता था। ठीक, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे ठगों के दमन में कौन सा संबंध था, ठगों के दमन में कौन सा संबंध था। तो यहाँ पे जो संबंध इनका था वो कर्नल स्लीमैन का संबंध था, बी बिल्कुल सही ऑप्शन, क्लियर। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट प्रश्न भी बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। तो इनका जो टॉमस मुनरो का संबंध था, इनका जो संबंध रहा वो संबंध आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ जब चलते हैं, तो इसमें है 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। बहुत ठीक, नेक्स्ट, यह अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था, लाहौर में, कलकत्ता में, बम्बई में, सूरत में। और यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन का जो अधिवेशन हुआ था, इसी में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। और यह अधिवेशन आपका मुंबई के ग्वालिया टैंक नामक स्थान पर हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और ऑप्शन सी सही होने के साथ सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और सातवें प्रश्न का ऑप्शन क्वेश्चन पढ़िए, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी, फ्रांस ने, अफगानिस्तान ने, बर्मा ने, नेपाल ने। चलिए कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नेपाल बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा, नेपाल के द्वारा अंग्रेजों की मदद की गई थी। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा आंदोलन चौरी चौरा जो है कांड के कारण समाप्त हो गया था। वैसे बात करते हैं चौरी चौरा कांड की, तो ये जो है गोरखपुर से संबंधित कांड है। और इस कांड के बाद जो आंदोलन समाप्त हुआ था, उस आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर जो है भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने के बाद कौन सी पार्टी बनाई थी। सभी को मालूम है ऑप्शन नंबर बी फॉरवर्ड पार्टी नामक जो है पार्टी जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
बनाया गया था। वे बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? वंदे मातरम में, दुर्गेश नंदिनी में, कपाल कुंडला में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो संबंध है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और कमेंट करके आप लोग को बताना है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करना है। क्वेश्चन का आंसर तो इनमें से कोई है ही नहीं, लेकिन किस पुस्तक में है ये बताना है आप लोग को। चलिए कमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इसमें है, कौन सी नदी ऐश्वर्य नहीं बनाती है? नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, महानदी। चलिए 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ये महानदी जो है ये ऐश्वर्य नहीं बनाती है। बाकी नर्मदा हो गई, मांडवी हो गई, ताप्ती हो गई, ये सभी क्या, ये सभी नदियां क्या हैं, ऐश्वर्य बनाती है, ठीक। और आप अपघ्रंश भारती से होकर बहती हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां पे डी बिल्कुल सही होगा इसका। और इसी के साथ अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर इसका 12वीं का सी बिल्कुल सही, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यूके के द्वारा इसको जो है, एक मिनट, नहीं, भिलाई इस्पात संयंत्र की बात किया गया है यहाँ पे, तो ये जो है रूस के द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक। कौन सा देश था? रूस के द्वारा इसको स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह के बारे में बताना है। मैक्सिको नगर, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, योकोहामा। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे नगरीय समूह की बात करते हैं तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। जापान का ये शहर है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र व मेघालय। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब, आंध्र प्रदेश एवं विदर्भ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा, यहाँ पे डार्क भी कर दिया गया है, ठीक। देखिए ध्यान से, ये पश्चिमी घाट जो है हिमालय क्षेत्र और मेघालय के क्षेत्र जो भी हैं यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, ये वर्षा सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ यहाँ पे जो है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन ने 90 अंश पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा, यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय व दिन को प्राप्त करेगा? चलिए बताइए ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा। 4 बजे सोमवार का समय दिखाएगा, 10 बजे सोमवार का दिखाएगा, या फिर 10 बजे मंगलवार, या फिर 16 बजे दिखा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है शाम को 4 बजे, ठीक, मंगलवार। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो पहला ही ऑप्शन 4 बजे सोमवार का ये समय तिथि प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगी? ध्यान दीजिएगा इसको, ये अर्थशास्त्र का जो है क्वेश्चन है। यहाँ पे समयावधि की कीमतें तथा मौद्रिक आय दोगुनी करने की बात किया गया है, उसके बाद वास्तविक आय कितनी होगी? तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, इसमें 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी इस समय जो है रणनीतियां अपनाई गई थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का ऑप्शन का आंसर आप लोग को भी देना है। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा योजना और गैर योजना व्यय के बीच का अंतर समाप्त किया गया है तो कब किया गया था? 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में। तो ये जो है 2017 में इसको समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इस प्रश्न में है, कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन सम्मिलित नहीं है?
यानी कि ये जो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन है इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? गेहूं, तिलहन, चावल, दलहन। तो इसमें तिलहन संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर यहां पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो डी बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी, भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI, ये सभी बैंक के नाम हैं, ये सभी इसमें जो हैं इसके प्रवर्तक हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग के नाम पूछा है, कौन से भाग हैं जिसमें संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो भाग 5 में है इसका उल्लेख, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला, जिला प्रशासन के कितने भाग हैं? चलिए क्वेश्चन के आंसर को देखिए, ऑप्शन को बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 भाग हैं, 6 भाग हैं, 5 भाग हैं या फिर 8 भाग हैं? जिला प्रशासन के भागों के बारे में पूछा गया है, तो जिला प्रशासन के 5 भाग हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है? भाग 6, 7, 8, 9। तो सभी को मालूम है यहाँ पे पंचायती राज की बात किया गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। भाग 9 को जो है, एक मिनट माफ कीजिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, हाँ भाग 9 को जो है जोड़ा गया। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक का तात्पर्य होता है कि जो उसका संरक्षण करता हो, देख रेख में हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय संविधान का अभिभावक कहलाता है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन के रूप में ऐसा भी मिलेगा कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो वहाँ पर भी आपका सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तो बढ़ते हैं, और इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। 25 का ऑप्शन नंबर जो है भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाद योग्य नहीं है। क्या? नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये वाद योग्य नहीं होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब आप कंप्यूटर बंद कर देते तो कंप्यूटर बंद कर देंगे तो किसमें डाटा सुरक्षित रहेगा? रैम में, मदरबोर्ड में, द्वितीय मेमोरी में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय मेमोरी में जो है डाटा स्टोर हो जाता है। ठीक, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग बिल्कुल नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठें, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसको जो है नोट करते चलें। 27 का डी बिल्कुल सही ऑप्शन, ऊर्ध्वपतन कहा जाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपतन कहलाता है। इसी के साथ अगला, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों का तत्पर है, सांपों के विषय में जो जानकारी प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? और अच्छे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सर्पेटोलॉजी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सांपों के अध्ययन को सर्पेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए कमेंट करके बताइए, फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, बिल्कुल सही, एंथोलॉजी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंथोलॉजी जो है वो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, कौन सा प्रभावित होता है रासायनिक अभिक्रिया में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या उपर्युक्त सभी? ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है वो मैथ से लिया गया है, लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मैथ के पोर्शन को हम लोग स्किप करेंगे। तो इसमें 5 प्रश्न आपके अंकगणित से लिए गए हैं, इस 5ों प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे, क्लियर। चल 36 नंबर पर आ जाते हैं, इसमें सुनामी का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताइए, सुनामी का विलोम, माफ़ कीजिए सुनामी नहीं है, सुनाम है, सुनाम का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही होगा, सुनाम का मतलब अच्छा नाम, दुर्नाम हो जाएगा इसका, यानी कि
गलत नाम, बेकार नाम, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जगत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? लोक नहीं है, विश्व नहीं है, भुवन नहीं है, लोग नहीं है। तो यहाँ पे जगत की बात किया गया है, तो जगत में ऑप्शन नंबर जो सही है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोगों से संबंधित कोई जगत नहीं है, ठीक। बाकी विश्व, भुवन, लोक ये सभी जगत से संबंधित हैं। तो यहाँ पे लोग यानी डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा? सदाव्रत कहा जाता है, भोजनालय कहा जाता है, भंडारा कहा जाता है, या फिर प्रसाद कहा जाता है? तो उसको सदाव्रत कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दीन दुखियों को आप भोजन देने की व्यवस्था जहाँ पर होती है उसको सदाव्रत कहा जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ध्यान दीजिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जिस काम के लिए हम लोग जो काम करना चाहते हैं उस काम को ना करके दूसरे काम में लग जाना, यही इसका तात्पर्य है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ। अगला प्रश्न है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का संधि विच्छेद भी बिल्कुल निः प्लस छल, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखिएगा, भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला पोर्शन आपका जो है ये इंग्लिश से लिया गया है। यहाँ पे 41 से 43 क्वेश्चन, यानी कि 41, 42 और 43 ये पैसेज से लिया गया है। इस पैसेज को आप लोग केयरफुली अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर लिखा भी गया है कि केयरफुली इसको पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर को दीजिए। तो चलिए इसको अच्छे से पढ़िए, मैंने इसको पढ़ रखा है। उम्मीद है लगभग लगभग पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। ये अगला पेज है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और 41 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द बे कुड नॉट बी रीच्ड बाई बोट बिकॉज। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और इसमें जो है 42 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे 42 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा, क्वेश्चन को पढ़िए, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी। इसी के साथ 43 नंबर का प्रश्न है, इसको पढ़िए और बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। व्हील पासिंग थॉट द केव द राइटर डिस्कवर्ड आ। तो यहाँ पे 43 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बिग क्रैक थॉट विच लाइट के मीन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ। 44 नंबर प्रश्न में चलेंगे, और इस प्रश्न में आपको इस शब्द जो नीचे शब्द लिखा गया है इसका जो है मीनिंग बताना है। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका सही और अच्छा मीनिंग जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका अच्छा मीनिंग भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इकोनॉमिकल, बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो नीचे शब्द दिया गया है इसका अपोजिट बताना है। अर्बन का क्या हो जाएगा, अर्बन का अपोजिट क्या होगा? 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन, अर्बन का जो है क्रूड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग के भी 5 प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि ये अलग से आपका वीडियो बनाया गया है, वहाँ से जाकर इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बात किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे उज्बेकिस्तान के साथ मंजूरी मिली है इसको, ठीक। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन, उज्बेकिस्तान सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट
का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा कर दी है? तो ड्रैगन फूड का नाम बदलकर गुजरात सरकार के द्वारा जो नाम रखा गया है वो नाम है आपका कमलम। क्या नाम है? कमलम फ्रूट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन गई हैं? मोहना सिंह, भावना कांत, शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी। फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जो बनी है उनका नाम है भावना कांत। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए देखिए कमेंट करके बताइए, ये प्रश्न जो है करंट अफेयर से हम लोग देख रहे हैं, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी है? हिम्मत दिवस, पराक्रम दिवस, भारत दिवस, सैन्य दिवस। तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के नाम से जाना भी जाता है और इस दिवस को अब हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा, कौन सा सही हो जाएगा, पराक्रम दिवस कहाँ पे है भाई, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी गई है? चाइना है, रूस है, ब्रिटेन है या फिर भारत है? 55 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ब्रिटेन के द्वारा ऐसा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के ओपन स्काई संधि, देखिए अमेरिका में जो ओपन स्काई संधि हुई थी इससे अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा कर दी है? यहाँ पे रूस ने की है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद जिसको हम लोग TEPCO टेपको कहते हैं, इसने किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ पे संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, RBI ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉक्टर एस, जिसको डायस बैंक के नाम से भी जाना जाता है, वो AG ध्यान ध्यान दीजिएगा, डायस बैंक AG ठीक, पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि गोवा में आयोजित होने वाले 91वें भारतीय, माफ़ कीजिए 91 है यहाँ पे, 91 में नहीं है, 91 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस यानी फोकस देश या कंट्री के नाम से तौर पर चुना गया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये तो सभी को मालूम है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल बांग्लादेश बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है अरुणाचल प्रदेश नामक राज्य में, भारतीय नामक राज्य में पाया जाता है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ। अगला प्रश्न, हाँ एक बात और, आप लोग का कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, नेपाल भारत के किस राज्य का पड़ोसी देश है? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश जो है नेपाल का पड़ोसी भारत, अपने भारत का पड़ोसी राज्य है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ। अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, चलिए याद कर लीजिए आप लोग, मैंने पहले ही बता दिया प्रैक्टिस सेट को शुरू करते ही कि विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल से संबंधित इसमें प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेंगे। तो आरी बगल के अपने जो भी कंट्री हैं उनके मुद्रा, उनके रुपए और उनके राजधानियां लगभग लगभग आपको याद होने चाहिए, और जो भी नामित देश हैं जैसे बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, ये सभी जैसे अभी देखिए कनाडा हो गया, इन सबके भी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। चलिए 63 नंबर पर चलते हैं, इसमें साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? वैसे बात करते हैं बुलाने की, तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, ठीक, कौन बुलाता है
तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। लेकिन बात करते हैं दोनों सदनों की, जो अध्यक्षता करता है वो अध्यक्षता आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्लियर, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, विधान परिषद की गणपूर्ति जिसको कोरम कहा जाता है, कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होना चाहिए या भाग होता है, तो डी बिल्कुल सही, 1/10 यानी 1/10 भाग जो है गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और किसके लिए, तो विधान परिषद के लिए। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना जिसको क्लाइमेट एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता है के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे आणविक ऊर्जा जो है इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी सौर ऊर्जा हो गया, ध्यान दीजिए सौर ऊर्जा हो गया, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन हो गया या वनारोपण हो गया, ये सभी इसमें 8 प्लानों में शामिल हैं। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि दशाओं यानी कि दशाओं में से कौन सी वैश्विक ताप के अवसर को इंगित करती है 66 का, तो 66 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, एक मिनट, चौथा यानी कि सभी सही है भाई, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं देखा, नीचे कूटनीति का जो है प्रश्न है, यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हिमानी यानी बर्फ का पिघलना भी है और सागरीय तल का उत्थान मतलब ऊपर का उठना भी है और मौसमी दशाओं में परिवर्तन भी है, साथ साथ ग्लोबीय तापमान में भी वृद्धि है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैश्विक ताप के असर की बात किया गया है, तो यहाँ पे जो तापमान बढ़ रहा है इसका सभी कारण ये हैं। क्लियर, तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए, रोम में, जिनेवा में, कैनवरा में या फिर नई दिल्ली में। वैसे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की, तो अपने भारत में केवल एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में है, कमेंट करके आप लोग को बताना है कौन सा मुख्यालय, किस चीज़ का मतलब किस अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्था का मुख्यालय है वो। ऊपर के प्रश्नों में अभी उस टाइप के प्रश्न भी हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा 67 का वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन, जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला, कपिलवस्तु कहाँ पर स्थित है, कपिलवस्तु कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है मनाया जाता है फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, अजमेर में, बिहार शरीफ में, यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये अजमेर में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है उर्स, तो ये अजमेर में मनाया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, पक्षी विज्ञान अनुसंधान के बारे में पूछा है, वो भी केंद्रीय, तो ये कहाँ पर स्थित है, चलिए कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छे, ये जो है उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इज्जत नगर पड़ता कहाँ है, तो ये बरेली के एक स्थान है बरेली का, वहाँ पे पड़ता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक मिनट नहीं ठीक, ये दूसरा है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल इज्जत नगर बिल्कुल सही है, जो कि केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान यहीं पे स्थित है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 70 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 70 प्रश्नों में आप ही कितने प्रश्न सही हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि कमेंट करके आप लोग को भी आंसर देते रहना है। तो चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।